मानवीयता ही सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म का यथाशक्ति निर्वाह करने वाले ही सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी होते हैं। जी हां दोस्तों, आज की हमारी कहानी मानवीयता से बढ़कर कोई धर्म नहीं इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस नैतिक कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके महल के सामने उपवन में प्रतिदिन शाम को धर्म सभाओं का आयोजन होता था, जिसमें दूर दूर से संत महात्मा आकर धार्मिक विषयों पर प्रवचन दिया करते थे। राजा नित्य ही ये प्रवचन सुनता और राज्य की जनता के लिए भी यह स्पष्ट आदेश था कि वह भी धर्म सभाओं में आकर प्रवचन सुनने के लिए अवश्य उपस्थित हो। जनता इस आदेश का पालन करती थी। अब एक दिन की बात है, राजा के सिपाहियों ने राजा को सूचना दी कि शहर के कुछ युवक धर्म सभा में उपस्थित नहीं होते। अब यह सुनकर राजा ने सिपाहियों से उनके विषय में पता लगाने के लिए कहा। सिपाहियों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। अब एक दिन शाम को राजा का एक सिपाही घूमता हुआ शहर के बाहर एक आश्रम में पहुंचा। अब आश्रम के दरवाजे खुले थे और अंदर से कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। सिपाही भीतर जाकर एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वहां कुछ युवक अत्यंत लाचार, बीमार और अशक्त वृद्धजनों को खाना खिला रहे थे और कुछ लोग उनकी अन्य प्रकार से सेवा कर रहे थे। सिपाही समझ गया कि ये वही युवक होंगे जो धर्मशाला में ना जाकर इस आश्रम में चले आते हैं। वह तत्काल राजा के पास पहुंचा और सारा किस्सा कह सुनाया। राजा धर्म सभा छोड़कर सिपाहियों के साथ उस आश्रम में पहुंचा। वहां रह रहे उन वृद्ध जनों की दीन दशा को देखकर राजा स्तब्ध रह गया। वह नहीं जानता था कि उसके राज्य में इतने बेसहारा व लाचार वृद्ध ऐसी सोचनीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने वाले युवकों की राजा ने पीठ थपथपाई। उसे एहसास हुआ कि कोरे धार्मिक प्रवचन सुनना सुनाना ही धर्म कर्म नहीं है। लाचार और अशक्त लोगों की हर संभव सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन से राजा ने धर्म सभाएं बंद कर दी और उसके स्थान पर भूखों के लिए लंगर, बीमारों के लिए अस्पताल और बेघर बार वृद्धों के लिए आवास गृह का संचालन राज्य की ओर से किया जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज कहानियों का